गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे CGL हो गया और LMRC, तो जो 12 मई को एग्जाम है। तो गाइस, ये देखते हैं कौन से 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। जब हम कोई चीज़ मतलब कम कोई साइट से या वेबसाइट से कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो एक बेसिस होता है, क्या होता है वो, डाउनलोडिंग। उस चीज़ को हम डाउनलोड करते हैं तभी वो हमारे फाइल में सेव हो जाती है, फाइल ऐसा सेव हो जाती है। तो गाइस, द प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज डाउनलोडिंग। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अ प्रोग्राम डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय डाटा ऑन योर कंप्यूटर। एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है कि कंप्यूटर का जो फाइल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, विच कैन ट्रेवल टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफर हो जाता है, एक एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो क्या होता है गाइस, वो होता है वायरस। वायरस एक सिंपली डिजाइंड प्रोग्राम होता है। यहाँ ये डिसीज वाला वायरस नहीं है। तो गाइस, इसको ध्यान नहीं रखना कि ये सिंपली डिजाइंड एक प्रोग्राम होता है। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें तो ये वायरस एक प्रोग्राम होता है जो अदर फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज यूज टू व्यू वेब पेजेस। एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस को देखने के लिए यूज करते हैं, सर्च करने के लिए यूज करते हैं, साइट्स को सर्च करने के लिए यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, ब्राउज़र होता है, जैसे गूगल क्रोम, ओपरा एंड मैनी मोर, मोज़िला फॉर फायरफॉक्स और एंड अदर्स जो, ठीक है। और HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एब्रीवेशन बहुत पूछा जाता है इसलिए मैं यहाँ रख दिया हूँ। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होगी गाइस, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ, विच इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। कोई चीज़ हम एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में डालते हैं या कोई फाइल डालते हैं तो जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो किस तरह से वो दिखता है, तो क्या होता है वो गाइस, आइकन तो होता है, वो आइकन के बेस में दिखता है। अब आइकन का हम किस ग्राफिकल चेंज कैसे भी कर सकते हैं, कोई अदर जो ग्राफिकल आते हैं हम डाउनलोड करके कोई भी यूज कर सकते हैं, तो आइकन के नाम से जानते हैं उसे हम। तो विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, तो उसे हम गाइस क्या कहते हैं, आइकन। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर। तो कॉमन इनपुट डिवाइसेस तो कीबोर्ड और माउस ही होती हैं। अगर कोई भी चीज़ एक कीबोर्ड है और माउस है, इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे जॉयस्टिक होता है गेम खेलने के लिए, वो भी इनपुट डिवाइस है, वेबकैम है, इनपुट डिवाइस है। बट जो मेन होते हैं, मतलब वो जो कंप्यूटर के साथ होते ही होते हैं हमेशा, तो कीबोर्ड एंड माउस जो हमेशा यूज होते हैं, तो वो कौन से हैं, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। एंड सेवन देखते हैं, विच की आर यूज इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई स्पेसिफिक टास्क कर इनपुट करने के लिए हम कुछ कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तो पहली की है कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट, तो कंट्रोल प्लस सी दबाएं तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल प्लस वी दबाएं तो पेस्ट हो जाता है, इस तरह से ये तो कुछ ये स्पेसिफिक की है, इनको प्लस करके और दूसरी की को एक साथ करके तो हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं। तो गाइस, वो कौन सी कीज है, कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड अल्टर एंड जो मेनली यूज होती हैं। एंड एट्थ देखते हैं, तो MICR स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बट ये क्वेश्चन गाइस इस तरह से पूछा जाता है कि MICR में जो सी स्टैंड फॉर क्या है, सी किस पे स्टैंड है, तो गाइस वो करेक्टर पे स्टैंड है। तो वो सिर्फ इतना पूछता है कि MICR में सी किस पे स्टैंड है, या आई पूछ लेगा आई किस पे स्टैंड है, तो आपको इंक बताना है। तो इस तरह से ऑप्शन दे रखे होंगे, तो ये दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है MICR स्टैंड फॉर। तो आपको फर्स्टली तो पूरी फुल फॉर्म याद होना चाहिए, मैग्नेटिक इंक
करेक्ट है, रिकॉग्नाइजेशन। एंड नाइन्थ देखते हैं, वाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन। कोई भी चीज़ मतलब माउस से हम सेलेक्ट करके दूसरे फोल्डर में ले जाना, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप। एक चीज़ को माउस से सेलेक्ट करके पकड़ो और उसे दूसरे फोल्डर में ड्रॉप कर दो, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप में आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ, OCR स्टैंड फॉर, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसमें भी पूछ सकता है कि मतलब C स्टैंड फॉर क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एंड 11 देखते हैं, डिजिटल फोटोज एंड स्कैंड इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड एज ग्राफिक्स विद एक्सटेंशन सच एज BMP, PNG, JPG, TIFF और GIFT। तो गाइस इसका क्या आंसर होगा, बिटमैप। ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और ट्रेंड में भी ये क्वेश्चन, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12th, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज द फ्लॉपी डिस्क। तो जो मोस्ट कॉमन जो अक्सर यूज करते हैं, फ्लॉपी डिस्क होती है द मोस्ट कॉमन, जो पहले भी यूज होती थी। तो कॉमन स्टोरेज क्या है गाइस, कॉमन स्टोरेज डिवाइस क्या है, फ्लॉपी डिस्क। और गाइस इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1.44 MB होती है, इसको भी ध्यान रखें आप, 1.44 MB होती है। एंड 13 देखते हैं, When you save to this, your data will remain intact even when the computer is turned off. तो गाइस क्या होता है कि जब हम अपना जो डाटा सेव कर देते हैं, अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए फिर भी उसके बाद हम वो डाटा यूज कर सकते हैं, मतलब डाटा इस तरह से सेव हो जाता है, तो वो गाइस किस स्टोरेज डिवाइस में करते हैं, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें डाटा अगर एक बार सेव किया तो हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं। एंड 14 देखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड एज, तो इसमें भरना होता है क्या है, नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। तो गाइस वो हार्ड डिस्क से वो कौन सी स्टोरेज है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब गाइस है कि एक बार चीज़ सेव कर दो तो वो हमेशा सेव रहेगी, अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तब भी सेव रहेगी, तो वो हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। एंड 15 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, जो एक प्रोसेस होती है डिस्क को ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करती है, तो वो फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेट करना। एंड मैं 14 का थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे वोलेटाइल स्टोरेज में हम कह सकते हैं रोम है, रीड ओनली मेमोरी, और RAM, रीड एक्सेस मेमोरी, तो आप इनको रख सकते हैं वोलेटाइल में, क्योंकि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं पावर पॉइंट पे, अगर कोई फाइल बना रहे हैं और बाई चांस आपका लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है या डेस्कटॉप पे बना रहे हैं तो लाइट चली जाती है, तो इन चीज़ों को जो वर्क कर रहे थे वो सेव नहीं होगा और वो डिलीट हो जाएगा। तो गाइस ये वोलेटाइल होती हैं। एंड 16 क्वेश्चन देखते हैं, अ CD ROM डिस्क कैन नॉट बी इरेज्ड और रिटर्न। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं 16 और 17, जैसे 17 डिस्कस कर रहे हैं, अ CD RW डिस्क कैन बी इरेज्ड एंड रिटर्न। तो गाइज जो CD ROM डिस्क होती है, कोई भी डाटा होता है तो इसमें जो डाटा होता है वो इरेज नहीं कर सकते और हम इसको रीराइट भी नहीं कर सकते, बट जो CD RW डिस्क होती है उसमें हम डाटा को इरेज करके दूसरा भी डाटा कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को ध्यान रखें कि दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या कह देगा कैन नॉट बी इरेज्ड और री रिटर्न, तो ऑप्शन दे देगा CD ROM डिस्क और CD RW डिस्क, और दो ऑप्शन और दे देगा, तो आपको बताना होगा कि कैन नॉट बी इरेज्ड और री रिटर्न डाटा में तो क्या होगा, CD ROM डिस्क। तो आप इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखें, इन दो चीज़ों। एंड 18 देखते हैं, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम, तो कौन सा डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम में डिफरेंस अच्छे से समझता है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर है। एंड 19th क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो गाइस जो ऑप्टिकल डिस्क में क्या आता है, ये DVD आती है, तो DVD में बता दूँ, ये डिजिटल
वर्सेटाइल डिस्क होती है इसकी फुल फॉर्म, तो इसको भी ध्यान रखें, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और ये कैसी डिस्क है? ये ऑप्टिकल डिस्क है, तो इसको भी ध्यान रखें, ऑप्टिकल डिस्क में डीवीडी आती है। एंड ये तो सभी को मालूम होगा, 20 UPS स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एंड 21 देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ DHCP, इसकी फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस तरह की कंप्यूटर के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर्म बोलो बताओ, जैसे हाइपर टेक्स्ट HTTP की फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसलिए रखा हूँ क्वेश्चन। एंड 22 देखते हैं, व्हाट इज ट्रेंड माइक्रो? तो ट्रेंड माइक्रो क्या है गाइस? ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये पूछा गया था 2015 में, तो मैं रख दिया हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है। एंड 23 देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? जो रोम है और RAM है या स्टोरेज डिवाइस है, इनको किसने, मतलब इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो वो गाइस जॉन न्यूमैन थे जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? तो किनने दिया था ये आइडिया? जॉन न्यूमैन ने दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट डाटा मूव फ्रॉम वन पीस टू अनादर? तो गैस जब हम कोई चिप लोड करते हैं या कुछ भी कह लीजिए, मेमोरी कार्ड को लैपटॉप से लोड करते हैं या डाटा जैसे उधर ट्रांसफर करते हैं, तो वो डाटा किस स्पीड से जाता है, उसको किस तरह से मेजर करते हैं? तो गैस उसको मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट डाटा मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर? तो गाइस क्या होगा, किस तरह से मेजर करते हैं उसे? बिट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। एंड 25th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द SMTP इन एन SMTP सर्वर स्टैंड फॉर? तो SMTP की फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है, SMTP किस पे फुल फॉर्म क्या है? एंड तो इसका आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखेंगे। एंड 26 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड सागा 220 सुपर कंप्यूटर? किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था, बनाया था सागा 220 सुपर कंप्यूटर, किस में? 2011 में। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? इसरो थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड 27 देखते हैं, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और किस में क्लासिफाइड किया जाता है लो लेवल लैंग्वेजेस में? तो गाइज वो असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं जिसे लो लेवल लैंग्वेजेस में क्लासीफाई किया जाता है। तो गाइज वो कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं। एंड 28 देखते हैं, द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एन एंड गेट, द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एन एंड गेट इन कंप्यूटर्स इज यूज्ड फॉर गाइज, या यूज्ड होगा यूज वो किस लिए एंड गेट को यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में? तो गाइज ऐसा परफॉर्मेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं एंड गेट को। एंड 29 देखते हैं, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड वेब? जो वर्ल्ड वाइड वेब था WWW, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसको गाइस टिम बर्नर्स ली ने दिया था, और किस ईयर में दिया था? 1989 में दिया था, इसको भी ध्यान रखना है, किस ईयर में दिया था? 1989 में। और किसने दिया था? टिम बर्नर्स ली ने दिया था, WWW। एंड 30 देखते हैं, प्रोसेसर्स स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन? तो गाइस इसको किस में मेजर करते हैं? MIPS में मेजर करते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आप इनको दोनों को ध्यान रखिए, अगर जो चिप या मेमोरी कार्ड को जब डाटा ट्रांसफर करते हैं तो इसको मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड में,
हम जो लास्ट क्वेश्चन में सीखे थे बिट्स पर सेकंड में, और जो गाइस प्रोसेसर स्पीड होती है ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, कितनी स्पीड से मतलब कंप्यूटर वर्क करता है, तो उसे गाइस मेजर करते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एंड 31 देखते हैं, वन बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो गाइस बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वन बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो 8 बिट्स होते हैं एक वन बाइट में। एंड 32 देखते हैं, ATM इज एब्रीवेशन फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म होगी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बट इसमें क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ ऑटोमेटिक लिखा होगा, ऑटोमेटेड की जगह ऑटोमेटिक लिखा होगा टेलर, ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा, मतलब 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन भी मिलेगा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन थी, तो हमें ध्यान रखना है कि जो फुल फॉर्म है वो ऑटोमेटेड है, इसमें ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर, एक फ्लॉपी डिस्क कितनी कैपेसिटी होती है एक फ्लॉपी डिस्क की, तो गाइस इसकी कैपेसिटी होती है 1.44 MB। और थोड़ा मैं थोड़ा बताना चाहूँगा गाइस कि 1 MB में 1024 KB होते हैं, और 1 GB में, गीगाबाइट में, 1024 MB होते हैं, और 1 TB में 1024 GB होते हैं, इसको भी ध्यान रखें आप गैस। और सबसे बड़ी, तो इनमें सबसे बड़ी क्या, टेगाबाइट हो गई, टेगाबाइट, GB, MB एंड KB, तो इसको भी ध्यान रखें। एंड 34th क्वेश्चन देखते हैं, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर्स, मैप्स एंड ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म, तो जो एक डिवाइस होती है वो पिक्चर्स को, मैप्स को और ड्राइंग्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज करती है डिजिटल फॉर्म में, तो वो कौन सी डिवाइस होती है, तो हम गाइस डिजिटाइजर को यूज करते हैं ऐसा डिवाइस टू कन्वर्ट पिक्चर्स, मैप्स, ड्राइंग्स इन डिजिटल फॉर्म कंप्यूटर में स्टोरेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो हम डिजिटाइजर को यूज करते हैं। एंड 35th क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाई, जो पहला कंप्यूटर माउस था वो किसने बनाया था, वो डॉगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डॉगलस एंजलबर्ट ने दिया था। एंड 36 देखते हैं, USB इज एब्रीवेटेड एस, बहुत बार पूछे जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है USB की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या है फुल फॉर्म, यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड 37th क्वेश्चन देखते हैं, विच एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज फेसबल फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, कौन सी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर, तो वो गाइस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर ही प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन सी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की जिसको यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो गाइस पावर पॉइंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38th क्वेश्चन, तो यहाँ मैंने 4 फुल फॉर्म्स दिए, आप इनको भी ध्यान रखिए, SNMP की फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, कोई भी आ सकती है इनमें से, एंड SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड POP की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो आप इन चारों को ध्यान रखें। एंड 39th क्वेश्चन देखते हैं, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, जो टेक्नोलॉजी यूज्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में वो क्या कहलाती है गाइस, तो वो उसे कहते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन, क्या कहलाते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज कॉल्ड माइक्रो एनकैप्सुलेशन। एंड 40 क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म URL, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जा चुका है, और हो भी सकता है पूछ भी लिया जाए, तो इसको ध्यान रखना है, द टर्म URL यूज्ड इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, तो गाइस इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड लोकेटर, द टर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड 41 देखते हैं, द टर्म गीगो इज
रिलेटेड टू जो टर्म है गीगो, वो किससे रिलेटेड हो है, तो वो एक्यूरेसी से रिलेटेड है, और इसकी फुल फॉर्म है गाइस गार्बेज इन और गार्बेज आउट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट, इंटरनेट में कौन सी टाइप की स्विचिंग यूज होती है, तो वो पैकेट स्विचिंग होती है। व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट, तो गाइस वो पैकेट होती है। एंड 43rd क्वेश्चन देखते हैं, द फास्टेस्ट कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाई कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज कैच होती है, जो फाइल कैच फाइल्स होती हैं वो स्टोर कर लेती है, फास्टेस्ट कॉस्टलियर। तो गैस इसको भी ध्यान रखना है, वो कैच होती है जो स्टोरेज मैनेज करती है, तो फास्टेस्ट कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाई कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज कैच। एंड 44 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सिक्वेंस, एक प्रोसेस होता है डाटा को अरेंज करने के लिए इन लॉजिकल सिक्वेंस में, तो गाइस उसे क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं उसे, सॉर्टिंग बोलते हैं। एंड 45 देखते हैं, द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट, जब कोई हम प्रोग्राम इनपुट करते हैं जो उसके बीच का टाइम होता है, आउटपुट देने से पहले जो बीच का टाइम होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच का टाइम होता है, उसे क्या बोलते हैं गाइस, उसे बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ये 2015 में पूछा जा चुका है, सीजीएल 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। द टर्म द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। 46 देखते हैं, हार्ड कॉपीज कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम, सबको मालूम होगा इस प्रिंटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी, जो रोम की मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है उसे क्या कहेंगे, ईप्रोम कहते हैं उसे, वो ईप्रोम है गाइस, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज ईप्रोम। एंड 48 क्वेश्चन देखते हैं, एन एस्पेक्ट ऑफ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डाटा लॉजिक इज कॉल्ड बफरिंग, जब इनपुट हम कोई चीज़ करते हैं और आउटपुट नहीं मिलता, मतलब गोल गोल पहिया घूमता रहता है, ये अगर शुद्ध भाषा हम बोलें तो बफरिंग होती है गाइस, उसे बफरिंग बोलते हैं। एंड 49 देखते हैं, सी आर एम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीन्स, तो सी आर एम की फुल फॉर्म होती है कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट। गाइस इसका एक एग्जाम भी कराती है, LMRC भी एग्जाम करा रही है इसका, तो इसको भी ध्यान रखें, सी आर एम एक एग्जाम होता है ये, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सी आर एम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बट यहाँ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है। एंड 50 देखते हैं, एंड लास्ट, बूटिंग द सिस्टम मीन्स लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस समय बूटिंग होती है, तभी वो विंडो ओपन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है, और जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो वार्म बूटिंग होती है, और जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं, तो इसको भी ध्यान रखें आप। एंड ये थे गाइस 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और गाइस ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए आ भी सकते हैं, मतलब मैंने मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे ये 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देख के जाएँ एग्ज़ाम से पहले। एंड और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब टू चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग, कीप इंजॉइंग।